बार की बात है, जौनपुर नामक गांव में हीरा नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़ने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था, ताकि पूरे दिन में उसके हाथ कुछ मछलियां आ सके, जिससे वह अपनी और अपनी पत्नी का गुजारा कर सके। एक दिन उसकी पत्नी मीना तालाब से मटके में पानी भरकर अपने झोपड़ी में ले आती है। अरे आज तो मैं इतना थक गई, इतनी दूर से तालाब से पानी जो लाना होता है, मेरी तो कमर ही टूट जाती है। काश मेरे पास भी नौकर चाकर होते तो कितना अच्छा होता, मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। रानी की तरह राज करती हाँ, लेकिन मेरा नसीब कहाँ, इस गरीबी में तो दम घुटने लगा है मेरा। अरे भाग्यवान आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। देखो भाग्यवान, मैं मछली की तलाश में पास वाले गांव की नदी में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है अपने गांव की नदी में मछलियाँ बची ही नहीं है, मछलियाँ हाथ आए भी तो कैसे। अरे हाँ हाँ खूब जानती हूँ तुम्हें, जाओ जाओ। लेकिन आज भी कोई मछली नहीं लाए ना तो देखना, तब बताऊंगी। रोज कोई ना कोई नया बहाना, पूरे दिन में मेरे लिए एक मछली नहीं ला सकते, काम चोर कहीं के। मैं कहती हूँ अगर आज भी कोई मछली नहीं लाए ना तो लौट कर मत आना। अरे तुम भी ना भाग्यवान, समझती नहीं हो, कैसे समझाऊं तुम्हें, मछलियाँ हाथ आएंगी तभी तो लाऊंगा ना। खैर जाने दो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पता नहीं आज भी कोई मछली तुम्हारे हाथ आएगी भी या नहीं, न जाने कब तक वापस आओगे। रुको जरा मैं भी आती हूँ। जिसके बाद हीरा की पत्नी रसोई में जाती है और दो बासी रोटी लेकर आती है और हीरा को देते हुए, ये लो ये दो रोटी लेते जाओ, वरना भूखे पेट मुझे ही कोसोगे, जाओ जाओ, और हो सके तो मछली लेकर ही घर वापस आना। हाँ कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है भैया, मुझे कोई कुछ खाने को दे दो, लगता है भूख के मारे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अरे अरे अब तुम रोते क्यों हो, तुम कोई साधारण भिखारी तो लगते नहीं हो, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के हैं, इन्हें बेच के कुछ खा क्यों नहीं लेते। हाँ सही कहा तुमने, मेरे पास ये चांदी के सिक्के तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागा हूँ, मैं इन्हें खा नहीं सकता, मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रोटी। मैं तो इतना अभागा हूँ कि चल फिर भी नहीं सकता हूँ, मेरी मदद करो वरना मैं भूख से मर जाऊँगा बेटा, मदद करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दुखी मत हो, मेरी पत्नी ने मुझे दो रोटियाँ दी थी, तुम उन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। हाँ रुको देता हूँ, हाँ हाँ अभी देता हूँ। जिसके बाद हीरा अपनी पोटली में से दो रोटी निकालता है और भिखारी को दे देता है, तभी भिखारी उन दोनों रोटी को बड़े चाव से खाता है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वाकई तुम एक नेक दिल इंसान हो, ये लो तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी, तुम ये चांदी का सिक्का अपने पास रखो। हीरा भिखारी की यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, हीरा अपना हाथ बढ़ाता है और भिखारी से वह चांदी का सिक्का ले लेता है। अब ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ बाबा, मुझे पास वाले गाँव में मछली पकड़ने जाना है। जाओ बेटा जाओ, सब माया है, सब माया है। जाओ जाओ। जिसके बाद हीरा अपने हाथ में वह चांदी का सिक्का लेकर थोड़े आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है। हे ऊपर वाले,
काश मैं आज बिना मछली लिए घर न जाऊं, वरना आज भी मुझे मीना की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। कृपा करो ऊपर वाले। अरे कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रहे हो, और तुम्हारा आधा शरीर मछली का कैसे है? डरो मत हीरा, मैं जलदेव हूँ, इसी नदी में रहता हूँ। जिस भिखारी से तुम जंगल में मिले वो मैं ही था। मैं अक्सर इसी जंगल में यहाँ से गुजरने वाले लोगों की परीक्षा लेता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। अरे अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप सच में जलदेव हैं? मैं तो आपको देखकर धन्य हो गया। जलदेव मैं आपसे क्या मांगू भला, मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी गरीबी के कारण मैं उसे कुछ नहीं दे पाया हूँ, उसे दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है, ठीक है हीरा, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ये लो हीरा, ये एक जादुई सिक्का है, ये तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रहे हीरा, जब भी तुम्हारी पत्नी में किसी भी कारणवश अहंकार का भाव पैदा होगा तो इसका दुष्परिणाम भी अवश्य ही होगा। अब ठीक है, मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देखती होगी। अरे आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज कोई मछली लाए हो या नहीं, या आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ मछली, जरा रुको भाग्यवान। हे जादुई सिक्के, मुझे खूब सारी मछलियाँ चाहिए। हाँ खूब सारी। हीरा के इतना कहते ही वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ आ जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी सारी मछलियाँ? अरे वाह वाह, लेकिन ये सब इस सिक्के के कारण हुआ है। लगता है ये कोई जादुई सिक्का है। अरे आखिर कहाँ से मिला तुम्हें ये सिक्का, बताओ मुझे। क्या सच में ये तुम्हें जल देवता ने दिया है? अरे वाह वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए। अच्छा तुम एक काम करो, ये जादुई सिक्का मुझे दे दो, मैं इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ अच्छा ठीक है भाग्यवान, रख लो अपने पास, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इस जादुई सिक्के से मांग लेना। लेकिन याद रखना भाग्यवान, अपने लालच में अहंकारी ना होना, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस एक बार मुझे जादुई सिक्का दे दो ना। जिसके बाद हीरा अपनी पत्नी को वह सिक्का देता है, जिसे पाकर मीना बहुत खुश हो जाती है। चलो चलो जादुई सिक्के, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे खूब सारा धन चाहिए। हाँ बस अब और इस गरीबी में मुझसे नहीं रहा जाता। तभी देखते ही देखते मीना के पास खूब सारे सोने और चांदी के गहने और रुपए आ जाते हैं। मीना यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह कितना सारा धन है, अरे वाह वाह, और सोने के गहने भी हैं। वाह अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है। एक दिन, अरे अरे जादुई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए, पूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है, दे दो मुझे एक नौकर जो मेरा सारा काम करे। मीना की इतना बोलते ही वहाँ एक और नौकर आ जाता है। मीना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बोलिए मालकिन, मेरे लिए क्या काम है, मैं कुछ ही समय में आपका सारा काम कर दूंगा। अरे हाँ हाँ बताऊंगी बताऊंगी, इसलिए तो मैंने जादुई सिक्के से तुम्हें मांगा है। हाँ। मीना फटाफट नौकर को घर का सारा काम समझाती है,
नौकर सारा काम सुनते ही जल्दी जल्दी करने लगता है। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, हाय हाय कितने सुंदर गहने हैं, वाह वाह कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर, लगेंगे क्यों नहीं, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। अरे वाह वाह वाह, अब इतने सारे गहने तो मिल गए, लेकिन अब चेहरे का क्या किया जाए, इसमें भी थोड़ी चमक लानी पड़ेगी। इस गरीबी में तो मेरा पूरा रूप ही चला गया। ऐसा करती हूँ, उसके बाद ये सब गहने मुझ पर जचेंगे, हाँ बहुत सुंदर लगूंगी मैं, सभी गाँव की औरतें जल कर राख हो जाएंगी। हाँ सुन तो, इधर आ जरा, ये ले और ये लेप मेरे चेहरे पे लगा दे। जी मालकिन, अभी लगा देता हूँ। अरे वाह वाह, बड़ा ही आनंद आ रहा है, इसके बाद तो सब जल भुनकर राख हो जाएंगी। ये लीजिए मालकिन, हो गया काम। जिसके बाद मीना अपना चेहरा शीशे में देखती है, जो बिल्कुल लाल हो चुका है और बेहद ही डरावना लग रहा होता है। अरे अरे, ये क्या हो गया, सत्यानाश इसका, ये क्या कर दिया इसने, पूरा चेहरा खराब कर दिया इसने मेरा। अरे मालकिन, मैंने आपका कहा सारा काम कर दिया है। अरे ओ, ये देख तूने मेरे चेहरे को क्या कर दिया है, मेरा चेहरा देख कितना बदसूरत लग रहा है। अरे मालकिन, आपने ही तो कहा था लेप लगाने को, अब इसमें मेरा क्या दोष मालकिन। अच्छा तो तू कहना चाहता है मेरी ही सारी गलती है, वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भगवान क्या करूं मैं इसका, अब यहाँ खड़े मत रह और जा तालाब से पानी लेके आ। अच्छा मालकिन, जो आपकी इच्छा। तभी थोड़ी देर बाद मीना गांव के बाजार की तरफ अपने सारे गहने पहनकर निकलती है। अरे अरे, ये क्या हुआ मीना, जरा इसका चेहरा तो देखो, टमाटर की तरह लाल लग रहा है। अरे क्यों री मीना, आजकल टमाटर सब्जी में नहीं डालती क्या, मुंह पे लगाती है। वाह, इस मीना के तो दिन ही बदल गए। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो दीदी, जरा इसके गहने तो देखो। अरे वाह, इतने गहने, इतने तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे जितने ये पहनकर बैठी है। अरे वाह री मीना, आखिर कौन सी जादुई पुड़िया हाथ लग गई तेरे, जो इतने सारे गहने पहने हैं, क्या सच में कोई जादुई पुड़िया तो नहीं मिल गई तुझे। देखो ये सब गहने मेरे हैं, समझी तुम, आई बड़ी जादुई पुड़िया बोलने वाली। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती हो मालती, जलन हो रही है तुम्हें मेरे इतने सुंदर सोने के गहने देखकर, कभी देखे हैं इतने सारे गहने तुमने, बढ़िया ही बोलने वाली, चलो हटो मेरे रास्ते से। जिसके बाद मीना बड़ी गुस्से में आगे चलती है और दोनों औरतें उसे बड़ी हैरानी से देख रही होती हैं। अरे अरे, लगता है गहनों का असर मीना के सर पर चढ़ गया है, हाँ बहुत ही अहंकारी हो गई है, खैर अब क्या ही कहा जाए। तभी मीना आगे चलती है तो उसके सामने एक बकरी का छोटा सा बच्चा आ जाता है। अरे अरे हट मेरे सामने से, चल हट, अब न जाने ये बकरी का बच्चा मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया, अरे जाता है या नहीं। लेकिन वह बकरी का बच्चा मीना के सामने से हटता ही नहीं। तभी मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से उसको मारने लगती है। हाय आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, इतना चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जी मालकिन बताइए, मेरे लिए क्या काम है। कहाँ मर गया था तू, हाँ दिखता नहीं कि थक गई हूँ मैं, चल मेरे पांव दबा और जरा अच्छे से दबाना, कोई भी काम ठीक से नहीं करता। तभी मीना का नौकर उसके पांव दबाने लगता है और देखते ही देखते मीना सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो देखती है उसका नौकर वहां पर नहीं होता है। ये मेरा नौकर कहाँ चला गया, मेरी जरा सी आंख क्या लग गई, न जाने कहाँ चला गया काम चोर कहीं का, न जाने जादुई सिक्के ने मुझे कैसा नौकर दिया है। तभी मीना अपने बेड से उठती है और उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। मीना अपना चेहरा देखकर डर जाती है। अब मीना के चेहरे पर बकरी का चेहरा आ जाता है, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा होता है, और मीना के सारे सोने चांदी के गहने भी गायब हो जाते हैं। तभी वहां पर हीरा आता है और मीना का यह रूप देखकर हैरान हो जाता है।
अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हुआ? और तुम्हारा चेहरा एक बकरी के चेहरे में कैसे बदल गया? ये क्या हो गया जी? मेरा चेहरा बकरी का कैसे बन गया? और ये क्या, मेरे सारे सोने के गहने भी कहाँ गायब हो गए? ये क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? अरे कहीं जलदेव का कहा सच तो नहीं हो गया? अरे भाग्यवान, हमें जलदेव के पास जाना होगा। चलो अब, देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जलदेव ही हमारी कोई सहायता कर सकते हैं। हीरा नदी किनारे जाता है और जोर जोर से जलदेव को आवाजें लगाने लगता है। तभी जलदेव नदी में से ऊपर आते हैं। क्या हुआ हीरा, क्यों याद किया, बताओ हमें। प्रणाम जलदेव, ये देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है, इसका चेहरा तो बकरी का बन गया है, देखिए कितना डरावना लग रहा है। अब हम क्या करेंगे जलदेव? हीरा, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी पत्नी के अहंकार की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक बकरी के बच्चे को बिना बात के बहुत मारा, उस मासूम जानवर का कोई दोष नहीं था, ये सब तुम्हारी पत्नी ने अपने अहंकार के कारण किया। अब जिसके फलस्वरूप ही तुम्हारी पत्नी की यह दशा हुई है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उस चांदी के सिक्के से तुम्हारी पत्नी जो भी मांगेगी उसे अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी में अहंकार आ जाएगा तो उसका दुष्परिणाम भी अवश्य ही होगा। उस सिक्के की जादुई आत्मा ने ही तुम्हारी पत्नी को यह श्राप दिया है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हीरा, अब तुम्हारी पत्नी को इसी जानवर के आधे रूप में रहना होगा। तभी मीना जोर जोर से रोने लगती है। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी इस दशा की मैं ही दोषी हूँ, अपने अहंकार वश में अपना ही सर्वनाश कर बैठी, मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज दुनिया में हमेशा के लिए नहीं होती, आपको अपने अच्छे और बुरे वक्त दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, और अच्छे वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपको बुरे वक्त में पछताना पड़े।